आज आप लोगों का स्वागत। आज मैं बनाने जा रही हूँ चठैल आलू की भुजिया। चठैल आलू की भुजिया के लिए मैंने चठैल 250 ग्राम लिया, 250 ग्राम आलू लिया। चठैल इस तरह का होता है, बहुत ही बेहतरीन इसकी भुजिया होती है, बहुत मज़ेदार इसकी सूखी भुजिया बनेगी। तो ये चठैल है, इसको इस तरह से मैंने धुल लिया है, इसको इस तरह से सारे को काट लिया, आपको कट करके दिखा रहे हैं। इसी तरह से चठैल को काटा जाता है। दो चठैल मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रख लिया था, बाकी को काट लिया था, सारे को धुल लिया है खूब अच्छी तरीके से। अब इसकी भुजिया बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। 5-6 हरी मिर्च लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 ग्राम आलू, 250 ग्राम चठैल बारीक कट कर लिया है। इस तरह का भुजिया को किस तरह से बनाते हैं, तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें 100 ग्राम तेल डालूंगी, चूँकि चठैल और आलू की भुजिया है, इसमें तेल थोड़ा अच्छे तरीके से लगेगा। देखिए तेल पक चुका है, इसमें राई का फोड़न यानी सरसों का फोड़न डाल रहे हैं। फोड़न कटा चुका था, इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे, हाफ ब्राउन जब हो जाएगा तो इसमें चठैल की भुजिया डालेंगे। हो चुका है, इसमें हल्दी डाल रही हूँ, साथ ही मिर्चा भी डालूँगी, चला लूँगी इसको 2-4 मिनट के लिए। अब डाल दूँगी सबसे पहले चठैल, डालूँगी इसको इस तरह से, फिर साथ में कटिए आलू की भुजिया को भी डाल देंगे। नमक सारी इसको भी डाल देना है। इसके बाद से मैंने लाए और कैसे भुजिया होंगे 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। इसको चला देंगे और देखिए इस तरह का चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से और भी टेस्टी हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार। चठैल के भुजिया में चाट मसाला ज़रूरी होता है। आलू और चठैल की भुजिया तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।